tenés que ver. डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो मूर्ति राजबिहारी एवेन्यू के ऊपर है, उस मूर्ति में कोई किसी ने काली पोत दिया है। पहले ललिन, फिर पेरियार और अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मूर्ति तोड़ सियासत चल रही है। ये देखिए, ये तस्वीरें हमारे पास एक्सक्लूसिव आई है, किस तरह से मूर्ति तोड़ी गई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो मूर्ति तोड़ी गई है कोलकाता के कॉलीगंज में, उसकी ये तस्वीरें। पहले मूर्ति को तोड़ा गया, हथौड़े से तोड़ा गया, फिर कालिक पोती गई। ये नफरत की सियासत, मूर्ति तोड़ सियासत इस वक्त चरम पर है। शुरुआत हुई थी लेनिन से, फिर पेरियार और अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी। देख रहे हैं आप, चार से पांच लोग हैं, कुछ नारेबाजी ये लोग कर रहे हैं। भीड़ आई वहां पर, हथौड़ा हाथ में है, मूर्ति तोड़ी। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। उसके बाद देखिए, हाथ में स्प्रे है, ब्लैक स्प्रे, जिससे कालिख पोती गई श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चेहरे पर। आप देख रहे हैं, त्रिपुरा में चुनाव नतीजों के बाद से शुरू हुआ मूर्ति महासंग्राम अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब निंदा कर दी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि इसका समर्थन हम लोग नहीं करते हैं, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम। एडवाइजरी जारी कर दी गई है बाकायदा गृह मंत्रालय की तरफ से तमाम राज्यों को। जी मीडिया संवाददाता प्रीतम देव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीतम, हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं, छह से सात लोगों का गुट है जो मूर्ति तोड़ रहे हैं, हाथ में कालिख है, वो पोत रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चेहरे पर। एकदम अमन, जैसा कि हम लोगों ने भी यहाँ पर आने के बाद देखा, जो है जो उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, मगर सरकारी तरफ से जो कार्रवाई है उसका दो तरीका नज़र आ रहा है। एक तो है मूर्ति को बचाओ, जिन लोगों ने किया है उनको अरेस्ट करो, वो हो चुका है। मूर्ति का जो रिपेयरिंग का वर्क जो है वो अभी भी शुरू हुआ है, अंदर वो चल रहा है। मीडिया वालों को बाहर किया गया है, और इसके पास और एक कार्रवाई हो रहा है, बीजेपी को रोको यहाँ आने के, जो है उनका जो प्रयास है उनको रोको, बीजेपी को रोको। और जो पुलिस डिप्लॉयमेंट जो है, अभी आप देख सकते हो पुलिस डिप्लॉयमेंट बहुत बढ़ चुका है। सुबह से हम लोग यहाँ पे हैं, सुबह से लेकर अभी तक जो पुलिस डिप्लॉयमेंट है, अभी का जो परिस्थिति जो है इसके हिसाब से पुलिस डिप्लॉयमेंट बहुत है। जैसे कि पूरा के पूरा पुलिस जो है, पुलिसकर्मी जो है वहाँ यहाँ पे मौजूद है। जैसे कि बीजेपी, प्रीतम आप ये बताइए, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया ये लोग कौन थे? इसीलिए हाँ, ये लोग कौन थे, किस विचारधारा से थे, किसी संगठन से जुड़े थे, कौन लोग थे? ये जाधवपुर यूनिवर्सिटी के छात्र यहाँ पर देखिए, ये जाधवपुर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स है और नक्सल है, ये पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो काम किया हुआ था, ये मूर्ति तोड़ने का जो प्रयास किया गया था, मूर्ति तोड़ने का जो कोशिश थी, और इसके पास जो एक पोस्टर मिला है, जिस पोस्टर में पूरा के पूरा बंगाल भाषा में, बांग्ला में लिखा हुआ था स्लोगन, और नीचे एक रेडिकल नाम का कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा हुआ था। रेडिकल जो है ये लेफ्टिस्ट नक्सल ये जो है उसी हिसाब से पुलिस के साथ हम लोगों का बात हुआ, पुलिस ने भी ये कंफर्म कर रहा है, जो किया है उसका नाम है वो नक्सल है, और उसका नाम रेडिकल ही है, क्योंकि वो जो पोस्टर जो छोड़ गया है, पोस्टर में पूरा के पूरा लिखा हुआ है।
ठीक है प्रीतम, हम आपके पास दोबारा से लौटेंगे। प्रीतम बड़ी जानकारी दे रहे हैं, पोस्टर उसमें रेडिकल नक्सल संगठन से जुड़े ये लोग हैं, लेकिन जाधवपुर यूनिवर्सिटी से जुड़े छात्र 6 छात्रों को गिरफ्तार किया गया इस पूरे मामले को लेकर। और आपको बता दें कड़ी प्रतिक्रिया हो रही है इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरह से मूर्ति तोड़ सियासत चल रही है। पीएम मोदी ने मूर्ति तोड़े जाने की इन घटनाओं की कड़ी निंदा की है। उन्होंने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी बात की है। गृह मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इन घटनाओं की निंदा करते हुए कहा किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस संबंध में हमारी होम मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। और इतना ही नहीं बल्कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा है कि यदि कोई भी किसी के संबंध में कोई शिकायत यदि मिलेगी तो आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। और मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से भी अपील करना चाहता हूँ कि अपने अपने कार्यकर्ताओं को यह स्पष्ट निर्देश दें कि कहीं इस प्रकार की किसी हरकत में कोई इन्वॉल्व न हो, जो भी इन्वॉल्व होता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो कोई भी हो कार्रवाई की जाएगी। वैसे आपको बता दें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बीजेपी की विचारधारा हिंसा और तोड़फोड़ वाली नहीं है। मूर्ति को जिस तरह से हटाया गया था लेनिन की, वो तरीका गलत है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। गिरिराज सिंह जी, क्या माना जाए किस तरह से मूर्ति, पहले कुछ त्रिपुरा में घटना होती है, फिर पता चलता है श्याम प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति पर काली पोत दी जाती है पश्चिम बंगाल में, क्या हो रहा है ये? देखिए, मैंने कल भी कहा कि हम हिंसा में भरोसा नहीं रखते, हम हत्या में भरोसा नहीं रखते, हम लूटपाट मूर्ति तोड़ने में भरोसा नहीं रखते। हम वैचारिक लड़ाई लड़ते हैं और वैचारिक लड़ाई में हम आज आगे बढ़ रहे हैं। त्रिपुरा में 1.5% लोगों ने हमें मत दिया था, आज हमें 50 से ऊपर दिया। हम 2 थे, आज 282 हुए। हम वैचारिक लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन वाम दल जो केरल में हजारों लोगों की हत्या की, बंगाल में की, त्रिपुरा में की, वो हमें कह रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री ने जो कहा है, इससे अधिक कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर प्राण हैं, पेरियार हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, हम उन्हें पूजते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं। ये जब सावरकर की मूर्ति अंडमान निकोबार में तोड़ा जा रहा था तो कम्युनिस्ट के लोग तालियां बजा रहे थे। जब चाइना भारत पर आक्रमण किया था तो चाइना की तरफ से भारत की गद्दारी कर रहे थे। इनकी भूमिका गद्दारी की भूमिका रहा है। आरएसएस जब पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी तो सिविल पुलिस की भूमिका में थी और नेहरू तक ने आरएसएस को सम्मानित किया और पैरेड में शामिल किया। बार बार आरएसएस पर अटैक करते हैं, सीताराम येचुरी कह रहे हैं कि आरएसएस की यही रोल रहा है। ये वाम दल क्या बोलेगा, जो खाता भारत में है, गाता था चाइना और रशिया का उस समय, ये क्या बोलेगा? इसकी कोई विश्वसनीयता है? पूरा देश जानता है कि ये चाइना और रशिया के पिट्ठू है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए मर मिटने वाली पार्टी। वैसे आपको बता दें सबकी शुरुआत दरअसल त्रिपुरा से हुई थी, जब लेनिन की मूर्ति वहां पर गिरा दी गई थी। आपको बता दें बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि भारत में लेनिन की मूर्ति का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसे हटाने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया गया वो गलत है। लोकतंत्र में कोई अपने हाथ में कानून नहीं ले सकता, क्योंकि अब लेनिन का तो हमारे देश का कोई मतलब नहीं है, और उनके देश में भी वो विदेशी था, उनके देश में भी वो आतंकवादी था। मैंने उन्होंने ऐसे यानी जो गांव के लोग हैं उनको कितना गोली से मारा, क्योंकि विद्रोह कर रहे थे। उन्होंने सारे अखबार वालों सबको सब अखबारों को बंद कर दिया था और एक तानाशाही चलाई थी, तो उसको हम पूजा नहीं कर सकते। मूर्ति रखना है तो कम्युनिस्ट पार्टी अपने दफ्तर के अंदर रख सकती है, लेकिन उसको उतारने के लिए सरकार कोई जियो निकालनी चाहिए थी, फिर हटानी चाहिए थी। हटाने में मुझे कोई इतराज़ नहीं है, परंतु जो तरीका है वो गलत है।